नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शरद कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ही एमसीक्यू बेस्ड किताब है। इस किताब से हम लोग तो आपका फिजिक्स का जो है सेट प्रैक्टिस करेंगे। तो जिन बच्चों ने आप अपना जो है फिजिक्स का जो भी चैप्टर पढ़ लिया, थ्योरी कंप्लीट कर लिया या कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लिया, तो यहाँ का अपना जो है सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लूसेंट का जितना भी एमसीक्यू दिया गया इस चैप्टर इस किताब में, उसका सारा सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर जो आपका 7 था, ठीक है, उसका हम लोग पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 मॉडर्न फिजिक्स जो है, इसका पार्ट नंबर 2 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो 81 करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 ऑल आर राइट। तो प्लूटोनियम 239 कैन बी मेड आर्टिफिशियली, ये सही है। बोरोन इज यूज्ड इन एन न्यूक्लियर रिएक्टर टू अब्सॉर्ब अनवांटेड न्यूट्रॉन, सही है। इन नेचर द अवेलेबिलिटी ऑफ यूरेनियम 230 इज मच मोर देन दैट ऑफ यूरेनियम 235। 82 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लाई अंडरगो फ्यूजन व्हेन स्ट्रक बाय थर्मल न्यूट्रॉन। तो 82 करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 ऑल, U35 एंड जो है अपना PU239। 83 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। तो 83 करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 ओनली। तो आपका 3 सही है, न्यूक्लियर रिएक्टर इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन, ये आपका सही है। 84 है मैच लिस्ट 1 पार्टिकल लिस्ट 2 एप्रोक्सीमेट रेट एनर्जी MeV। तो आपको बताना है 84 का आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 84 का ऑप्शन बी 3, 4, 1, 2। ठीक है, तो आपका जो है इलेक्ट्रॉन का आपका हो जाएगा 0.5, न्यूट्रीनो का आपका हो जाएगा 0, न्यूट्रॉन का आपका हो जाएगा 1, 940 और पाई मेसन का आपका हो जाएगा 140। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का 0.5, न्यूट्रॉनों का 0, न्यूट्रॉन का आपका 940 और पाई मेसन का 140। 85 है U238 न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू टू आइडेंटिकल पार्ट, द टू न्यूक्लाई सो प्रोड्यूस विल बी। तो 85 का आंसर है, ऑप्शन में भी स्टेबल। 86 है एन एटम बॉम्ब इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ, तो 86 का ऑप्शन नंबर है न्यूक्लियर फ्यूजन। 87 है हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ, तो 87 का ऑप्शन में भी न्यूक्लियर फ्यूजन। 88 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन न्यूक्लियर रिएक्टर सेल्फ सस्टेंड चेन रिएक्शन इज पॉसिबल बिकॉज, तो 88 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 आपका जो है राइट है। ठीक है, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर सेल्फ सस्टेंड चेन रिएक्शन इज पॉसिबल बिकॉज मोर न्यूट्रॉन्स आर डिटेक्ट इन ईच ऑफ द फ्यूजन रिएक्शन, द न्यूट्रॉन्स इमीडिएटली टेक पार्ट इन द फ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, ये तो आपका सही है और आपका तीसरा भी सही है। ठीक है, द फास्ट न्यूट्रॉन्स आर स्लोड, द फास्ट न्यूट्रॉन्स आर स्लोड डाउन बाय ग्रेफाइट, कंप्लीट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग फ्यूजन प्रोसेस। तो U235 92 प्लस N10 रिएक्शन आपका जो है ऐसा 1938 प्लस, तो आपका इसमें से कौन सा 89 का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए 143 XC 54 प्लस 310N। नेक्स्ट आप 90 न्यूक्लियर फोर्सेस आर मेडिएटेड बाय, तो 90 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मेसन। 91 है न्यूक्लियर फोर्सेस आर, तो न्यूक्लियर फोर्स ऑप्शन नंबर ए स्पिन डिपेंडेंट। 92 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रेस्ट मास ग्रेटर देन अदर, तो 92 का ऑप्शन नंबर सी पाई मेसन। 93 है द हाफ लाइफ टी एंड द डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट पाई ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस आर क्रिएटेड एज, तो 93 का ऑप्शन में भी पाई टी इक्वल टू 0.693। 94 है आर ए 228 88 न्यूक्लियस देयर आर, तो 94 करेक्ट आंसर है ऑप्शन में भी 140 न्यूट्रॉन्स एंड 88 प्रोटोन। 95 है इन द न्यूक्लियर रिएक्टर मॉडरेटर्स आर यूज्ड टू, तो 95 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स, तो इन द न्यूक्लियर रिएक्टर मॉडरेटर्स आर यूज्ड टू ऑप्शन नंबर ए स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स। ठीक है, 96 है ए बीटा पार्टिकल इज इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस एट द टाइम ऑफ कन्वर्सन ऑफ, तो 96 का ऑप्शन नंबर सी ए न्यूट्रॉन इन ए न्यूट्रॉन इनटू ए प्रोटॉन। 97 है परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम इन ए रेडियो एक्टिव सैंपल रिमेनिंग एट द एंड ऑफ वन मिन लाइफ इज, तो 97 का आंसर ऑप्शन नंबर डी 37। 98 है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स इज अनस्टेबल, तो 98 का ऑप्शन नंबर डी
न्यूट्रॉन 99 है फर्टाइल मटेरियल अमंग द फॉलोइंग, तो 99 का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा U38। 100 है न्यूक्लियर फ्यूजन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, तो 100 का ऑप्शन नंबर सी सैन एंड हाइड्रोजन बॉम्ब। 101 है द इलेक्ट्रॉन इमिटेड इन बेटा रेडिएशन अल्टरनेट फ्रॉम, तो 101 का ऑप्शन नंबर है इनर ऑर्बिट्स ऑफ एटम, तो इलेक्ट्रॉन इमिटेड इन बीटा रेडिएशन ओरिजिनेट फ्रॉम इनर ऑर्बिट्स ऑफ एटम्स, ठीक है। 102 है पिक आउट द स्टेटमेंट विच इज ट्रू, तो 102 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए द एनर्जी रिलीज्ड पर यूनिट मास इज मोर इन फ्यूजन एंड दैट पर एटम इज एंड इन मोर फ्यूजन, तो द एनर्जी रिलीज्ड पर यूनिट मास इज मोर इन फ्यूजन एंड दैट पर एटम इन मोर इन फ्यूजन। 103 है एनर्जी ट्रांसफर टू ए पर्सन थ्रू गामा रेज इज गामा रेज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ, 103 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रोटेजेंस। 104 न्यूट्रिनो इज ए पार्टिकल विच, तो न्यूट्रिनो इज ए पार्टिकल विच, तो 104 का ऑप्शन नंबर हैज नो चार्ज बट हैज अ स्पिन। 105 है द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम इज मोर लाइकली टू टेक प्लेस, 105 का ऑप्शन है एट हाई टेंपरेचर एंड हाई प्रेशर। 106 है इन न्यूक्लियर फ्यूजन द परसेंटेज ऑफ मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इज अबाउट, 106 का ऑप्शन नंबर सी 0.1%। 107 है ए गुड मॉडरेटर शुड, तो 107 का ऑप्शन नंबर डी बी ऑल अबव थ्री, तो ए गुड मटेरियल शुड नॉट बी ए गैस ओनली नॉट हैव एपेटाइट फॉर न्यूट्रॉन्स ओनली बी लाइट इन मास नंबर ओनली। 88 है एनर्जी जनरेशन इन स्टार्स इज मेनली ड्यू टू, तो 108 का ऑप्शन नंबर सी फ्यूजन ऑफ लाइट न्यूक्लाई। 109 है व्हेन P3015 डिकेस टू बिकम SI3014 द पार्टिकल रिलीज इज, तो 109 का ऑप्शन नंबर डी पॉजिटिव स्ट्रॉन। 110 नंबर क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग रिएक्शन 20 Mg 2412 प्लस Hg42 रिएक्शन X SI X14 द प्लस 1N10X इज, तो आप X इसमें क्या, 110 का राइट आंसर ऑप्शन बी 27। 111 इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन C611 रिएक्शन B115 प्लस बीटा प्लस X व्हाट डज X स्टैंड फॉर, तो 111 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रिनो। 12 आपका है इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड इज प्रोपोर्शनल टू, तो 112 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट बीम, तो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट बीम। 113 है द मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज इन फोटो सेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो 113 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे। 114 है व्हेन येलो लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए सरफेस नो इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड व्हाइल ग्रीन लाइट कैन इमिट इफ रेड लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस देन, तो 114 का राइट आंसर है 114 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। 115 है द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डिस्क्राइब्ड एज द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ ए मेटल विद, 115 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लाइट ऑफ सस्टेनेबल वेव लेंथ फॉल्स ऑन इट। 116 है मैटर वेव सर, 116 का ऑप्शन नंबर सी डी ब्रोगाइल वेव। 117 है द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल बाय यूवी रे इज, 117 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। 118 है द इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रॉम ए मेटल सर्फेस, 118 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओनली इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज अबव ए सर्टेन थ्रेशोल्ड वैल्यू। 119 है द ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट इज इमिटेड बाय, 119 का ऑप्शन नंबर ए डिफ्रैक्शन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। 120 है फोटो सेल्स आर यूज फॉर द, तो फोटो सेल्स आर यूज फॉर ऑप्शन डी बी एंड सी, रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड एंड रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम द सिनेमा फिल्म एंड ऑटोमेटिक स्विचिंग ऑफ ए स्ट्रीट लाइट। 121 है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन बाय अज्यूमिंग दैट लाइट, तो 121 का ऑप्शन नंबर डी कंसिस्ट ऑफ क्वांटा। 122 है विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, तो 122 का ऑप्शन नंबर बी फोटोन इज ए पार्टिकल विथ जीरो मोमेंटम। 122 है फोटोवोल्टाइक सेल्स, तो फोटोवोल्टाइक सेल्स 123 का ऑप्शन नंबर ए सोलर सेल। 124 है इफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज कैरी सेम मोमेंटम विच हैज द लोवेस्ट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो 124 का ऑप्शन नंबर डी जो है नन ऑल हैव सेम वेवलेंथ। 125 है विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट डी ब्रोगाइल वेवलेंथ इफ दे आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। तो 125 का ऑप्शन बी बीटा पार्टिकल, 126 है द वेवलेंथ, द वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ, 126 का ऑप्शन नंबर चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट आपका 127 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो आपको बताना है कौन सा इसमें स्टेटमेंट चाहिए। तो 127 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2 आर राइट है। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगाइल 5 hypothesis पार्टिकल हैव वेवलेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सही है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव द सेम डी ब्रोगाइल वेवलेंथ दे विल हैव इक्वल मोमेंटम विच। ठीक है, तो आपका ये दोनों सही है। 128 है फोटोसेंसिटिव मटेरियल वुड इमिट इलेक्ट्रॉन इफ एक्साइटेड बाय फोटॉन्स, फोटॉन्स बियॉन्ड ए थ्रेशोल्ड टू ओवरकम द थ्रेशोल्ड वन वुड इंक्रीज। तो 128 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फोटोसेंसिटिव मटेरियल वुड इमिट इलेक्ट्रॉन इफ एक्साइटेड बाय फोटॉन्स बियॉन्ड ए थ्रेशोल्ड टू ओवरकम द थ्रेशोल्ड वन वुड इंक्रीज, ऑप्शन नंबर डी द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। 129 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे, तो 129 का ऑप्शन बी, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे, 129 इट डज नॉट रिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। 130 है एक्सरे आर डेट वेव, तो आपका बताना है एक्सरे आर डेट वेव, तो 130 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। 131 है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इन्वेंटेड बाय विलियम रोएंटजेन, तो 131 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एक्सरे मशीन। 132 है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैव द मैक्सिमम एनर्जी, तो 132 का ऑप्शन नंबर डी एक्सरे। 133 है रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन आर मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ, तो 133 का ऑप्शन नंबर ए लाइट ओनली। 134 है द इंपॉर्टेंट कंक्लूजन गिवन बाय मिलिकांस, द इंपॉर्टेंट कंक्लूजन गिवन बाय मिलिकांस एक्सपेरिमेंट अबाउट द चार्जेस, 134 का राइट ऑप्शन नंबर सी चार्जेस क्वांटाइज्ड। 135 वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब इज ऑफ द नेचर, तो 135 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वोल्टेज ऑब्टेन बाय द इंडक्शन कॉइल। 136 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैथोड रे इज नॉट क्रिएट, तो कैथोड रे के बारे में कौन सा सही नहीं है। 136 का बी, कैथोड रे पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एनोड एंड मूव टुवर्ड्स कैथोड, यह गलत है, कैथोड रे पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स, ये सही है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, सही है, टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स आर कैथोड रे ट्यूब्स। 137 है व्हेन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो व्हेन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस देन द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो 137 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डिक्रीजेस। नेक्स्ट आपका 138 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, द कॉज ऑफ फ्रैक्शनल एटॉमिक वेट्स ऑफ एलिमेंट इज द प्रेजेंस ऑफ, तो 138 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आइसोटोप। 139 है द टू प्रोड्यूस डिफ्रेक्शन इन टेलीविजन पिक्चर ट्यूब, 139 का राइट आंसर ऑप्शन बी मैग्नेटिक फील्ड इज यूज्ड। 140 है गॉड पार्टिकल इज, तो 140 का ऑप्शन बी हिगस बोसन, तो गॉड पार्टिकल इज हिग्स बोसन। नेक्स्ट आपका 141 कॉम्पिटॉन इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद, तो कॉम्पिटॉन इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद, 141 का राइट आंसर है 141 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एक्सरे। 142 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो 142 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2 and 3 आर राइट, तो आपका जो है दे कैन ऑल्सो मूव इन वैक्यूम दे हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कॉम्पोनेंट्स विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दोनों सही है। 143 है द साइंटिस्ट हु एक्सपेरिमेंटली शोड दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज ओनली इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस, तो 143 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मिलिकान। 144 है कैथोड रेज इंटर एन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द लाइन्स ऑफ फोर्स देन देयर पाथ इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो 144 का ऑप्शन बी पैराबोला। 145 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो आपका कौन सा इसका स्टेटमेंट सही नहीं है, तो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैथोड रे डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब, ये गलत है, द कैथोड रे ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड रे एंड कैथोड एंड प्रोसीड टुवर्ड द एनोड इन ए कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, और आपका द कैथोड रे देमसेल्व्स आर नॉट विजिबल द रेड द टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स आर नथिंग बट कैथोड रे ट्यूब्स। 146 है EM ratio of anode rays producing discharge tube depends on the, तो 146 का ऑप्शन नंबर है nature of the gas filled in the tube। 147 है the first explosion
द फर्स्ट एक्सप्लोजन ऑफ एन एटॉमिक डिवाइस इन इंडिया वाज कैरीड आउट इन द स्टेट ऑफ 147 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजस्थान 148 है डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी विद द यूज ऑफ फोटोवोल्टेइक सेल्स रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 148 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो जो डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी विद द यूज ऑफ फोटोवोल्टेइक सेल रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी 149 है सर्टेन सब्सटेंसेस लूज देयर इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस तो सर्टेन सब्सटेंसेस लूज देयर इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस कंप्लीटली एट सुपर लो टेम्परेचर सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड तो 149 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा सुपर कंडक्टर ठीक है 150 नंबर क्वेश्चन है मेसॉन्स आर फाउंडेड तो मेसॉन्स आर फाउंडेड 150 का ऑप्शन नंबर डी कॉस्मिक रे 151 है एंड इंस्ट्रिनिक सेमीकंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज तो 151 का ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट इंसुलेटर 152 है व्हाट कल्चर इंपोर्टेंट फॉर तो व्हाट कल्चर इंपोर्टेंट ऑप्शन नंबर बी हैवी वाटर प्लांट 153 है एक्सरे कैन बी यूज्ड तो 153 का ऑप्शन नंबर सी टू डिटेक्ट डिफेक्ट्स इन प्रीसियस स्टोन एंड डायमंड 154 है चेर्नोबाइल तो चेर्नोबाइल न्यूक्लियर प्लांट नॉट डीकमिशन्ड इज इन तो 154 का ऑप्शन नंबर बी यूक्रेन 155 है द कंडक्टिविटी ऑफ ए सुपर कंडक्टर इज द कंडक्टिविटी ऑफ ए सुपर कंडक्टर इज तो 155 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इन्फेनाइट 156 है U235 बिलोंग टू विच मेंबर ऑफ दिस सीरीज तो 156 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एसिटिनियम सीरीज ठीक है तो एसिटिनियम सीरीज तो U235 बिलोंग टू विच मेंबर ऑफ दिस सीरीज तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यूरेनियम लेकिन गलती शायद दिया हुआ ठीक है इसको एक बार चेक कर लीजिएगा तो आपका एसिटिनियम सीरीज दिया हुआ नेक्स्ट आपका 157 है गामा रे कंसिस्ट ऑफ तो गामा रे कंसिस्ट ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 158 है हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स 158 का ऑप्शन नंबर है डब्ल्यू रदरफोर्ड 159 है द फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन 1974 इन इंडिया वाज कंडक्टेड तो 159 का ऑप्शन नंबर बी पोखरण 160 है आइंस्टीन वाज ऑनर्ड विद नोबेल प्राइज फॉर तो 160 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है 161 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अवार्ड फ्यूजन इज करेक्ट है तो आपका फ्यूजन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो तो 161 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 2 आर राइट तो फ्यूजन के लिए इट इज रिलेटेड फ्यूजन इज रिलेटेड विद द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स बाय मींस ऑफ सेल डिवीजन इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ये आपका सही है इट इज रिलेटेड विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हैवियर न्यूक्लाई इनटू स्मॉलर न्यूक्लाई 162 है द एनर्जी ऑफ ए फोटोन हुज मोमेंटम इज 10 MeV बाय c where c इज द स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन बाय द 162 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10 MeV 163 ए फोटोन ऑफ एक्सरे तो ए फोटोन ऑफ एक्सरे हैज एनर्जी ऑफ 1 keV ए फोटोन इज विजिबल रेडिएशन हैज एनर्जी ऑफ 3 eV इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट आपका 163 का राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी द स्पीड ऑफ बोथ द फोटोन्स इन वैक्यूम आर डिफरेंट द स्पीड ऑफ बोथ द फोटोन्स इन वैक्यूम आर डिफरेंट 164 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इज यूज फॉर डिटेक्टिंग फॉर्जरी इन करेंसी नोट तो 164 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अल्ट्रावायलेट वेव्स 165 है द मेजोरिटी चार्ज कैरीज इन पी टाइप पी सेमी कंडक्टर आर तो 165 का ऑप्शन नंबर डी होल्स 166 है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट इज 166 का ऑप्शन बी 13.6 ईवी 167 है विच वन अमंग द फॉलोइंग तो विच वन अमंग द फॉलोइंग वेव्स कैरीज द मैक्सिमम एनर्जी पर फोटोन तो 167 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है एक्सरे 168 है कंसीडर द फॉलोइंग फेनोमेना तो 168 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 आर राइट तो लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी ये सही है द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग ये सही है मैटर वार्प्स इज सराउंडिंग स्पेस तो आपका जो है द प्रेडिक्शन ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आफ्टर डिस्कस इन मीडिया तो आपका तीन आपका सही है लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग मैटर वार्प्स इज सराउंडिंग स्पेस ये आपका तीन सही है इस प्रकार हमने आज का वीडियो कंप्लीट कर लिया तो कल हम नया चैप्टर पढ़ेंगे आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक है तो कल हमारा चैप्टर क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम तो आज के लिए बस इतना ही आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।